गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज फिर से करो गाइस ट्राइसेप देख रहे हो पीछे पाछड़ तेरे ट्राइसेप तो जो कोई बात नहीं। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दो दिन के लिए मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, कोई बात नहीं। तो गाइस आज है बैक का वर्कआउट, आज डेडलिफ्ट नहीं करूँगा, सिंपल सा लेट पुल डाउन और सीटेड रोइंग ये सब ही है और कर लेते हैं बैक का वर्कआउट स्टार्ट। तो रेडी रेडी बैक का वर्कआउट इतना रेडी बैक का वर्कआउट इतना रेडी पहल बार कनू बैको वर्कआउट अब तुम देख लियो। तो अभी गाइस कंडीशन यार बिल्कुल मतलब कंडीशन देखो गाइस बहुत बेकार हो गई बॉडी की। मतलब अब बताओ कि बॉडी को मैं क्या कर दूं यार, आखिर लीन कर दूं लीन भाई। बहुत जल्दी हम अपनी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो लाने वाले हैं दूसरे चैनल पे। पहले भाई ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, उसके बाद उस चैनल पे वीडियो दबा दब अपलोड करूंगा, तो देखना प्यार दे देना। तो रेडी रेडी अभी कर लेते हैं बैक का वर्कआउट स्टार्ट। रेडी ना पुलओवर ये बारबेल से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बेंच है तो बेंच पे कर लेना, मुझे तो नीचे अच्छा लगता है वेट के साथ। तो इसको इस तरीके से पकड़ लेना है एल्बो बाहर की तरफ और ये ऐसे ऐसे ले जाना है नीचे। ये इससे हमारी लेट्स जो है ना बहुत तगड़ी निकलेगी बाहर की तरफ। 12 रैप 3 सेट करके देखें आप एक बार एक्सरसाइज को, बहुत बढ़िया। ये नीचे इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी का अगर हाथ में कोई दिक्कत हो रहा है वो तो पहले से ना करें, अगर कर भी रहे तो इसे आप अगर हाथ आपका थक गया तो इसे आप इस तरीके से नीचे रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज। चलिए स्टैंडिंग सीटेड रोइंग, इसे आप वैसे बैठ के भी कर सकते हैं बेंच पे, लेकिन मुझे खड़े होकर अच्छी लगती है। इसमें 12 रैप 3 सेट चलेंगे बढ़िया से। जब आप अगर बेंट ओवर रो करते हैं, अगर कभी नहीं कर पाते तो उसके साथ अल्टरनेट में कर सकते हैं आप, या अगर आपको कभी बेंट ओवर नहीं करनी तो आप ये लगा सकते हैं स्टैंडिंग सीटेड रोइंग। कर लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज। चलिए तो हे गाइस ये था लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन ऐसे ही करते हैं और कहीं उसे आगे स्टेबल रहते हैं कहीं पीछे स्टेबल रहते हैं, ठीक है। उसमें झूला मत झूलना, ठीक। बॉडी से जो पाछड़ आ जाओ रेडी। तो आम 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 भी बाजू आम आम। तो गाइस वो था लेट पुल डाउन 3 सेट 12 रैप बढ़िया तरीके से हैवी, इतना ही लगाना जिसमें 12 रैप लग जाए, इक्का दुक्का पुश हो जाए तो चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद होगा गाइस हाइपर एक्सटेंशन, तो वो मैं करता हूँ फ्लैट बेंच पे। रायल भाई को किसी 2-3 बंदों को बिठा लो, अगर आपके जिम में कोई तगड़ा बंदा है तो उसे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भी हाइपर एक्सटेंशन करूँगा, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज हो, आप भी हाइपर एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करें या तो गुड मॉर्निंग ज़रूर ऐड करें। मेरे थोड़े लोअर बैक में दिक्कत होती है तो मैं हाइपर एक्सटेंशन ले लेता हूँ, गुड मॉर्निंग में नेक पे ज़रा जोर पड़ जाता है मेरे, इसीलिए नहीं करता। तो लोअर बैक की बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 सेट लेंगे हाइपर एक्सटेंशन के, ठीक है।
तो कर लेते हैं हाइपर एक्सटेंशन। रेडी? पता क्या बहाना मारते फिर सर, आपका एड्रेस मैच नहीं हो पा रहा, तो कृपया मैच करा दीजिए। और उसका नंबर नहीं देंगे फ्लिपकार्ट में ना, उसका नंबर आता है डिलीवरी बॉय का। हो गए? हाँ। भाई ये लास्ट एक्सरसाइज थी हाइपर एक्सटेंशन, तो मैं वैसे इसको भी कर सकता हूँ हाइपर एक्सटेंशन प्री चेयर पे। हमारे पास एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन का है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज थी हाइपर एक्सटेंशन। जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई उसमें से और सब तो आपके मसल बढ़ाएंगी, लेकिन ये आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, लोअर बैक को। तो हाइपर एक्सटेंशन जिस दिन आप बैक करते हो और जिस दिन आप लेग करते हो, तो दो दिन आपको हाइपर एक्सटेंशन करना है, आपकी जो लोअर बैक है वो स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। और मेरी थोड़ी सी इंजरी थी यार, तो उस वजह से लोअर बैक वीक रहेगी, उसकी वजह से स्क्वाट में भी दिक्कत होती मुझे। तो ये था आज का बैक वर्कआउट। कल करेंगे शोल्डर, कल मैं फिर से लेग करूँगा, उसके अगले दिन करूँगा शोल्डर। तो मिलते हैं शोल्डर वाले दिन।